हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से जियो फाइनेंशियल अपर सर्किट। जी हाँ, अपर सर्किट के करीब करीब लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, लोगों को तकरीबन 1,38,75,000 के तकरीबन यहाँ पर बायर सेलर मौजूद है और तकरीबन 93 लाख का तकरीबन यहाँ पर 84,000 का बायर मौजूद है, जिसके कारण अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, हैवी वॉल्यूम नजर आ रहा है। जियो फाइनेंशियल रिमूव द सेंसेक्स एंड अदर इंडेक्स ए डिफरेंस इन अदर 3 डेज। जियो फाइनेंशियल शेयर ब्रीफली ब्रेक द बेयर चक्रव्यूह एंड वॉल्यूम इज 7 टाइम्स। ओके, तो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। अभी हाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अभी ये कितने टारगेट्स देगा इसके बारे में बात करेंगे कंप्लीटली ब्रीफली। और अभी जो खरीदारी कर सकते हैं, देखो 11:50 हो रही है, 25 तारीख है आज, 25 तारीख 8वां महीना सन 2023। इतिहास में पहली बार लोअर सर्किट से अपर सर्किट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है जियो फाइनेंशियल। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी ने भी अपना रिवर्स दे दिया है। आपको ये बता दूं कि मार्केट को ब्रेक करते हुए निकलने की कोशिश करती है और मार्केट पूरी तरीके से 19,300 के अंदर आ चुका है। मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं, शेयर मार्केट में वापस से हरियाली आ सकती है, तो हरियाली आ सकती है। देखो निफ्टी में कॉल ऑप्शन रिकमेंडेशन करा 19,200 का और खरीदारी की जा सकती है इस कॉल ऑप्शन में। ओके, आगे बात करते हैं मार्केट का क्या होगा, जियो फाइनेंशियल्स का क्या होगा। तो कंडीशन ये है कि जियो फाइनेंशियल के चार्ट पर चलते हैं और जियो फाइनेंशियल के चार्ट के एल्गोरिदम के मदद से देखो अपर सर्किट तकरीबन 5% आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 24 रुपए, तकरीबन 224 रुपए का प्राइस दिखाई दे रहा होगा। पहली कैंडल, पहला एंट्री पॉइंट है, मतलब जब से एंट्री हुई है 3 दिनों से तकरीबन यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट देखने को मिली है इस तरीके की। टोटल 200 रुपए से लेकर 224 रुपए तक का एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सेकेंडरी कंडीशन, अब टारगेट कितने बड़े आएंगे, यदि इस अपर सर्किट को यदि यहाँ पर लगा रहता है, कंटिन्यूसली लगा रहता है, तो यहाँ पर एक अपर सर्किट जो अगले टारगेट देखने को मिल सकते हैं 245 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले दिन के लिए। और इसके ऊपर यदि ऑल टाइम हाई को जो ब्रेक करता है, जो लिस्टिंग जो का जो प्राइस है इसका जो तकरीबन 262 रुपए का है, जो कि 30% का रिटर्न बनता है यहाँ पर, तो यहाँ से ये जिन लोगों ने खरीदारी कर ली है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और जिन लोगों ने खरीदारी नहीं करी है तभी भी मौका है, खरीद लो क्योंकि अब फटेगा मार्केट वापस से। जियो फाइनेंशियल ऊपर जाने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, तो गाइज एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, रिलायंस रिटेल वेंचर मे बी सेल एंड 8-10% स्टेक एंड प्रिपेयर टू आईपीओ। जी हाँ, रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ आने की तैयारी चल रही है, और ये एक और बड़ी खबर जो शेयर मार्केट को हिलाती हुई, जिसके कारण मार्केट में पैसा आने की उम्मीद है, जिसके कारण निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और तकरीबन 224 रुपए के करीब करीब प्राइस ट्रेड करता हुआ अपर सर्किट लगता हुआ यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में। एंड यहाँ पर अपर सर्किट के करीब करीब चल रहा है, मतलब 224 रुपए 10 पैसे का अपर सर्किट है, और वहाँ पर लगने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, बट एंड ऑफ द डे हो सकता है कि लग जाएगा अपर सर्किट यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा जियो फाइनेंशियल की मदद से, और भी कई जियो से जुड़ी हुई कंपनियां वैसे खबरों में आ सकती है। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL may sell another 8 to 10% of its stake to fund expansion and prepare for the initial public offering, IPO, The Economic Times, et, reported on Friday, citing executives aware of the plan. The process is likely to happen in the next 12 to 15 months. The report further said that the sale of more stakes is necessary because the current valuation of $100 billion may be unsustainable and difficult for the markets to absorb. Further dilution of stake might make the IPO size manageable. As per India and RS Quo S listing rules, the public shareholding, including those held by financial investors, of a company must be at least 25%. Currently, 11% of RVNL's stake is owned by global investors. The latest of these was a 0.99% stake taken by the Qatar Investment Authority, QIA, for $997 million. Also read, Reliance Retail opens youth fashion retail format with first store in Echabad, so RVNL would need to dilute another 14% of its stake to be able to bring out the IPO. An executive was quoted in the report as saying, if RRVL is able to sell around 20%, including the current public holding, to investors, it can then offer around 5% to the public in the IPO. That would make the IPO size almost $5 billion or 41,000 crore rupees at the current valuation.